नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खेती बाड़ी और मंडी भाव में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है और हो सकता है आपने इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी किया हो। तो आज हमारे साथ है दयाल फर्टिलाइजर कंपनी के सर है, तो आज हम इनसे पूछेंगे कि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम किस किस में कर सकते हैं और सारी जानकारी हम आपको इस प्रोडक्ट के बारे में हमारे सर बताएंगे। तो पहले हम पूछते हैं सर का नाम क्या है। जी सर, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम विकास चौधरी है और मेरा हेडक्वार्टर चित्तौड़गढ़ है। मैं चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ देखता हूँ। जी सर, तो आज आप कौन से प्रोडक्ट के बारे में हमें बताओगे? सर आज मैं लिक्विड पोटास के बारे में बात करेंगे। यानी कि लिक्विड पोटास आता है। जी सर, आप ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है? आप ये सर, थोड़ा दयाल फर्टिलाइजर का है। दयाल फर्टिलाइजर, यानी कि दयाल फर्टिलाइजर का है प्रोडक्ट। और ये कंपनी कहाँ की है सर? ये सर मेरठ की, यूपी से यूपी की कंपनी है, मेरठ से। यूपी यानी उत्तर प्रदेश से है ये कंपनी। जी सर, अब बात करते हैं सर, इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? इसकी ऐसी कौन सी अलग विशेषता है जो कि ये दूसरी कंपनियों के पोटास से इसको भिन्न बनाती है? सबसे पहले आप हमें इसकी विशेषताएं बताइए। सर इसकी सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि जो हमने पोटास अपने ओपीएम मतलब अफीम के अंदर जो डलवाया, इसका काफी अच्छा रिजल्ट मिला है। हमने लोगों को जो 10 किसानों को प्रॉपर मान के चले तो उसमें से 8 किसानों ने हमें बहुत अच्छा रिजल्ट बताया है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसका मिला है, ताकि किसान डालते हैं। और ये सभी तरह की दलहनी तिलहनी फसलों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, सभी वेजिटेबल्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किस किस सर आपने, आप बोल रहे हो कि अफीम में आपने इसका इस्तेमाल कराया है, तो आपने इसका इस्तेमाल अफीम की किस अवस्था में कराया था सर? हाँ सर, सबसे मेन चीज आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है सर। तो ये जो हमने इसका इस्तेमाल किया था, हमें जो फूल आती है फूल के समय, फूल के लास्ट स्टेज में जब फूल गिरने लग जाते हैं, गुल्ले की अवस्था आने लग जाती है सर, उस स्टेज में हमने इसको इस्तेमाल कराया था, जिससे इसके गुल्ले का काफी अच्छा विकास हुआ और काफी प्रॉपर अच्छा गुल्ला इसका बना, यानी चमक और क्वालिटी अलग दिखने को दिखी दूसरे की अपेक्षा। जी सर, यानी कि इसका इस्तेमाल करने से हमें यह फायदा हुआ है कि जब फ्लोवरिंग स्टेज एंडिंग होती है तब हमने इसका इस्तेमाल किया है, जिससे गुल्ले में काफी फुलाव आया है। ओके, और उसमें चमक काफी आई है, सर का कहना है। ओके, और हमने इसका सर ने प्रैक्टिकल भी किया है जो सर बता रहे हैं। अब बात करते हैं किस किस वेजिटेबल क्रॉप्स में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और किस प्रकार हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सर बताइए। जी सर, इसको हम सभी तरह की वेजिटेबल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अपना मिर्ची, कद्दू, लौकी, करेला, बैगन और गिलकी और गन्ना, सभी तरह की इसमें बात कर सकते हैं। अब हम किस हर चीज में इसका इस्तेमाल, कॉटन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं सर इसका हम? जी कॉटन में, हाँ कॉटन में भी हम इसका इस्तेमाल कर जी सकते सर हैं। सर इसको इस्तेमाल करने का कौन कौन से तरीके हैं सर, आप सर, ये बताइए। एक सबसे इसका इस्तेमाल करें तो एक तो ड्रिंचिंग के माध्यम से ड्रिंचिंग डाल सकते हैं, और दूसरा हम इसे 25-30 ml पर पंप इसे हम इस्तेमाल कर सकते सर हैं। पंप कितना होना चाहिए? 15 लीटर का मतलब 15 लीटर की जो आता है 25-30 ml पर टंकी के हिसाब से, 25-30 ml प्रति 15 लीटर पंप के हिसाब से हमें इसका स्प्रे करना है। ओके सर, यही बता रहे हो आप? जी सर। और इसका एक और इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं आप? हम इसको जो इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि अफीम के अंदर है तो हम इसे नीचे जमीन के साथ में पानी के साथ चला सकते हैं। इसको 250-500 ml पर 10 आरी में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अफीम के अंदर 250-500 ml एज पर द अफीम की जो सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग हमें इसका इस्तेमाल करना है। और सब्जी वर्गीय फसलों में इसको हमें ड्रिंचिंग में कितना यूज करना है सर? इसका ड्रिंचिंग का जो है वो इसको 250 ml से 500 ml हम इसे एक एकड़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इस्तेमाल करना है। तो सर हम इसका इस्तेमाल यानी कि फल वर्गीय यानी कि बागवानी में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? सर इसको बागवानी में भी हम इसे इस्तेमाल कर सर बागवानी में किस किस फल में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? बागवानी में जैसे आम हुआ और ऑरेंज है, अंगूर है, सेब है, केला है,
सभी तरह के फल वगैरह में हम इसका, यानी कि सभी प्रकार की बागवानी फसलों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और सर तिलहनी फसलों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम? हाँ साहब, तिलहनी और दलहनी फसलों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी सर, अब बात आती है सर कि ये जो प्रोडक्ट है किस प्रकार दिखता है और इस पर कीमत क्या रहेगी इसकी, और किस किस मात्रा में यह प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल रहेगा? तो पहले आप हमें ये बताइए कि ये किस किस मात्रा में यह प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल रहेगा। जैसे 250 ml, 500 ml, 1 लीटर और 5 लीटर में ये उपलब्ध रहेगा। जी सर, इसकी MRP की बात करें तो इसकी जो MRP है बताइए सर, कम ही मात्रा में है, ज्यादा भी नहीं है। इसका 250 ml का 310 रूपए MRP है इसके अंदर। जी सर, आप इसकी थोड़ा सर आप पैकिंग खोल के बताओगे सर? पैकिंग इसकी खोल के आपको दिखा सकता हूँ, पैकिंग बहुत अच्छी है और बहुत ही अच्छा ये प्रोडक्ट है। ये पैकिंग आप देख पा रहे हो, काफी अच्छी पैकिंग है सर। इस पैकिंग को देख के बहुत ही अट्रैक्टिव पैकिंग लग रही है सर ये। जी सर। तो सर दूसरी कंपनियों के भी काफी प्रोडक्ट आते हैं लिक्विड पोटास में, तो थोड़ा आप हमें बताइए उस पोटास जो दूसरी कंपनियों के जो पोटास आते हैं और अपनी ये आपकी जो दयाल कंपनी का जो पोटास है, इसमें फर्क क्या है सर? देखो, दूसरी कंपनियों की अपेक्षा ये दूसरी कंपनियों की अपेक्षा एक तो इसका जो रेंज है वो एक मीडियम रेंज है। जी, इसका दूसरी कंपनियों की अपेक्षा, हम दूसरी कंपनियों का नाम भी नहीं लेना चाहेंगे, जी उनका जो किसान के हित के हिसाब से बहुत महंगा है और ये एक मिनिमम रेट में हमारी कंपनी ने इसको दिया है। जी सर, यानी कि आप ये कहना चाहते हो दूसरी कंपनी का जो लिक्विड पोटास आता है वो काफी खर्चीला होता है, और आपकी जो कंपनी का है जो थोड़ा अफोर्डेबल है फार्मर्स के लिए। और अब बात कर रहे तो हम इसकी यानी कि रिजल्ट दूसरी कंपनियों की तुलना में कैसा रहेगा? इसका जो मैं रिजल्ट रेशो की बात करूं तो इसका रिजल्ट आपको 5 से 6 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा। ये एक कहने वाली बात नहीं है, हमने खड़े होकर इस्तेमाल किया है और पूर्ण विश्वास के साथ हमें इस प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा भरोसा है। हमने इसका रिजल्ट कुल 5 से 6 दिन के अंदर खेत में देखा है, जो इसके अंदर जो क्वालिटी हमने ओपीएम के में डलाया, जो अफीम में डलाया, मैंने उस समय डलाया था ये जब गुल्ले का साइज बहुत छोटा था, और मैं फिर 6 दिन के से 7वें दिन में विजिट करने गया तो मैंने उसको देखा तो काफी अच्छा इसमें ग्रोथ परिवर्तन हुआ, जो गुल्ले का साइज था बहुत अच्छा बना। जी तो सर, मैं इसको पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ कि दूसरी कंपनियों की अपेक्षा इस अपने दयाल कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो काफी अच्छा है और इसका जो रेट रेशो है वो भी बहुत मिनिमम है। धन्यवाद सर, यानी आप सभी फार्मर को क्या संदेश देना चाहोगे और सभी दुकानदारों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो देखो सभी दुकानदारों से भी यही अपील करना चाहूंगा और सभी फार्मरों से भी यही अपील करना चाहूंगा कि मेरे किसान भाइयों इसको इस्तेमाल करो और सभी दुकानदार इसको इस्तेमाल करो, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट है। ठीक है, ये छोटी मोटी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है, बड़ी कंपनी का प्रोडक्ट है और काफी अच्छा इसका रिजल्ट भी मिला है और खुद हमारे पास इसकी वीडियो भी उपलब्ध है। जी सर धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और आपको इस चैनल पर ऐसी ही अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती रहेगी, और आपको इस प्रोडक्ट से संबंधित कोई भी क्वेरीज है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।